सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। नाइन्थ क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 48। एक सम द्विबाहु त्रिभुज बनाओ जिसका आधार बी और आधार कोण ए दिया है। तो हमने एक सम द्विबाहु मीन्स दो भुजाएं जिसके समान हो, वैसे ही हमने त्रिभुज बनानी है। तो हमें दिया हुआ क्या है भाई, हमें दे रखा है एक आधार, तो ये हम आधार ले लेते हैं बी, हमें दिया हुआ है बी। तो एक हमें दे रखा है आधार कोण और उसका नाम हमें दिया हुआ है ए, तो हमने यहाँ से आधार कोण ले लेना है ए। ये हमारा आधार कोण आ गया है और हम यहाँ से इस कोण को बना देते हैं, ये आपका आ गया आधार कोण ए। अब आपने क्या करना है, जितना हमारा ये बी है आधार दिया हुआ, इतनी प्रकार खोल के या फुट्टा से आप नाप करके इस तरह से जो है वो बी जितना प्रकार खोल के या फुट्टे से नाप करके रेख रेखा ले लेंगे इस तरह से, और हम इस रेखा का नाम दे देते हैं ए बी। ये आपका ए आ गया, ये आपका बी आ गया। अब हमने क्या करना है, जितना आपका ये ए कोण दिया हुआ है इतनी हमने प्रकार खोलनी है, ये अब देख सकते हैं इतनी प्रकार खोल के हमने यहां से चाप लगानी ए से और बी से, इस तरह से, और हम बी से लगा चुके हैं। अब हमने ये चाप जो है वो ऐसे भी लगानी है, ए पॉइंट आपका है इस तरह से। हमने देखना है कि कोण कितना बड़ा है, तो हम ये देख सकते इतना बड़ा कोण है ये, यहाँ से जो है हम इस रेखा को काट देंगे, चाप को, सॉरी हम चाप को काट देंगे, यहाँ से हम इधर को काट देंगे। और अब हमने क्या करना है, इसको मिला देना है यहाँ से। अब हम पहले हल्की लाइन लगाएंगे, जो हमारी लाइन मिल जाएगी तो हम इसको बाद में डार्क कर देंगे यहां से, आप देख सकते हैं ये देखिए जहां मिल रही यहां तक हम इसको ऐसे डार्क कर सकते हैं, और इस रेखा को भी अब हम डार्क लगा देंगे यहां से इस तरह से, और जो आपकी ए बी रेखा है इसको भी हम डार्क कर सकते हैं यहां से इस तरह से, और जो आपकी फालतू लाइन है ये हम मिटा देंगे, और इस पॉइंट का जो हम नाम दे देते हैं ये है सी, और ये जो आपकी रेखा है सॉरी आपका प्रश्न है ये है 48, ये आपका ए कोण है, ये भी आपका ए कोण है, और ये आपका बन के तैयार हो गया। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 49। एक त्रिभुज बनाओ जब आधार बी सी और आधार कोण ए और शीर्ष कोण बी दिया है। तो हमने सबसे पहले हमें जो दिया है वो हम ले लेते हैं, हमारे पास एक आधार रेखा दे रखी है बी और सी, तो हम बी सी आधार रेखा ले लेते हैं, हम ले लेते हैं बी और सी, ये आपकी आधार रेखा है। वो हमें दिए हुए दो कोण, एक दे रखा है हमें आधार कोण ए, हम आधार कोण ए ले लेते हैं यहां से, ये हमें दिया हुआ है आधार कोण ए, तो हम यहां पे आधार कोण ले लेते हैं ए, ये आप देख सकते हैं इस पे हम नाम ले लेते हैं ए, और एक हमें शीर्ष कोण दिया है बी, तो हम एक शीर्ष कोण ले लेते हैं बी, इस तरह से इसका नाम हम दे देते हैं
बी। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारे पास आधार रेखा दी हुई है ये हम यहाँ से, मैंने पहले प्रकार से लिया था जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था 48, यहाँ हम इसको फुट्टे से नाप रहे हैं। ये हमारे पास आ रहा है 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पे आप फुट्टे से लो चाहे प्रकार से लो, किसी से भी ले सकते हैं। मैं इसलिए ले रहा हूँ कि पहले जो हमने प्रश्न किया था 48 हमने फुट्टे से लिया था, प्रकार से लिया था, ताकि आप दोनों तरह से समझ सके, प्रकार से भी नाप सकते हैं फुट्टे से भी। देखिए अब 7.5 सेंटीमीटर हमने ले लिया है, हमने क्या करना है इसमें नाम हम दे देते हैं बी और सी। अब हमने क्या करना है, जो आपके पास आधार कोण दिया हुआ है ए, इतनी आप प्रकार खोल दीजिए, ये आप देख सकते हैं इतनी हमने प्रकार खोल दिए, और यहाँ से हमने चाप लगानी है इस तरह से, और जितना ये कोण बड़ा आपका है हम यहाँ से इसको देख लेते हैं, इतना बड़ा है तो हम यहाँ से इसको काट देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एक हल्की लाइन लगा देंगे, अभी ना तो हम ये डार्क लगाएंगे ना हम डॉटेड लगाएंगे, हल्की लाइन हम लगाएंगे इस तरह से। और अब हमने क्या करना है, थोड़ी लंबी में और लंबी थोड़ी में लाइन लगा देता हूँ, बाद में हमें वैसे ही मिटानी होती है इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इस रेखा पे जो ये आपकी रेखा आ रही है कोण वाली रेखा, इस पे हमने कोई पॉइंट ले लेना है ई, जैसे मैं यहाँ एक पॉइंट ले लेता हूँ ई। अब आपने क्या करना है, जो आपके पास ये कोण दिया हुआ है बी शीर्ष कोण है, इतनी प्रकार खोल दीजिए, ये आप देख सकते हैं, ई से आपने यहां से चाप लगा देनी है इस तरह से जितना ही आपका बड़ा है कोण, ये आप देख सकते हैं इतना बड़ा कोण है, तो यहां से आपने इसको काट देना है यहां से, ये देख सकते हैं। और हमने क्या करना है, इसको मिला देना है इस कोण को, शीर्ष कोण को, ये आप देख सकते हैं यहां से हम इसको डॉटेड मिला रहे हैं यहाँ पे। अब ये जो रेखा आपकी बी सी पे आ रही है यहाँ पे, यहाँ हम इसका नाम दे देंगे डी। अब आपके पास एक रेखा आ गई है ई और डी, आपने क्या करना है, ई डी जितनी आपने यहाँ पे लाइन आ रही है इसके बराबर आपने यहाँ पे फुटा लगाना है, और यहाँ से आपने समानांतर रेखा लेनी है सी तक, यह आप देख सकते हैं ये सी तक आ गई है रेखा। अब आप इसको मिला दो इस तरह से, ये आप देख सकते हैं ये, और ये जो आपका पॉइंट आ गया ये आपका पॉइंट आया ए। अब आप इस रेखा को भी डार्क कर सकते हैं यहां से, और जो आपकी आधार रेखा है बी सी इसको भी आप डार्क कर सकते हैं, यहां देख सकते हैं, और यहां पे आप नाम लिख दीजिए इसमें ए कोण, ये आपका आ गया बी कोण, और इस तरह से ये आपका प्रश्न नंबर 49 बनके तैयार।